हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो, वन शॉट वीडियो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो क्लास 10+2 के फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टाइप और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा, सारे रिजल्ट्स को बताऊंगा, विच यू हैव टू बियर इन माइंड। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए उसके यूनिट एंड डायमेंशंस, डेफिनेशंस एज वेल एज जो डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट्स आता है स्टूडेंट्स, उसको आपको माइंड में रखना जरूरी होता है, क्योंकि यही रिजल्ट्स आपको न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है। इफ यू नो ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप किसी भी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज़, अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पॉइंट बाय पॉइंट। द मेन थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैं चार पार्ट में बांटता हूँ। पहला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ के चार्ज से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे उसे एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा जो उसके फैक्ट्स होंगे। थर्ड, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उससे रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और लास्ट वन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को लेकर के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। सॉरी, अब सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुने और जब भी कभी रिवीजन का मन करे आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और रिजल्ट्स को एक जगह नोट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टूडेंट। फर्स्ट थिंग, क्वांटाइजेशन यानी कि चार्ज की बात करें तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई है, वेयर एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। ई इक्वल टू आप जानते हो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में होगा देन क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होगा, जहां 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पीयर सेकंड की इक्विवेलेंट होता है। थर्ड पॉइंट, अगर हम सेंटीग्राम सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की बात करें तो इसका तो यूनिट ऑफ चार्ज है, देखिए इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैट क्लॉम मीन्स ई एस यू ऑफ चार्ज। और अगर हम इन सी जी एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की बात करें सिस्टम में, तो यूनिट ऑफ चार्ज जो है इट इज़ नॉन एज एप कूलम्ब दैट इज ई एम ई ऑफ चार्ज। इसके वैल्यू पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ई एस यू ऑफ चार्ज की इक्विवेलेंट है, और एप कूलम्ब जो है यानी 1 एम कूलम्ब वो इक्विवेलेंट होता है 10 कूलम्ब के। सो 1 EME ऑफ चार्ज 3 × 10⁻¹ ई एस यू ऑफ चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, चार्ज अगर इनवेरिएंट है, कहने का मतलब है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द स्पीड, वेयर एज द मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी पे, तो एक रिलेशन होता है स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - V² / C². यहाँ जो एम नॉट है वो रेस्ट पोजीशन के लिए है स्टूडेंट, मैंने यहाँ मेंशन किया है एम नॉट जो है मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट पोजीशन के लिए है, और जो एम है वो मूविंग विद द स्पीड के लिए है, वो मूविंग मास है। और जो सी है, यू नो अबाउट इट कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है जो 3 × 10⁸ m/s होती है स्टूडेंट, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्ब्स लॉ आता है। कूलम्ब्स लॉ अगर आप इस बिटवीन दिस टू पॉइंट की बात करें तो इट इज स्टेट्स दैट कि बिटवीन एनी टू पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस होता है। दैट्स वाई इट इज़ डिनोटेड एज एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू 1/4 πε₀ Q1 Q2 r². डेरिवेशन आपको क्लास में करवाया जा चुका है, क्लास में आप उस चीज़ को समझें, डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ बुक आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको जैसा कि मैंने बोला रिजल्ट को ही बताऊंगा।
सो कूलम्स लॉ का रिजल्ट है एफ इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अगर इसको डायलेक्ट्रिक मीडियम में ले जाएं, डायलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है स्टूडेंट्स कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे ग्लास है, माइका है। इस केस में कूलम्स लॉ जो है उसका जो डेरिवेशन है और उसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है एफ एम इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जो के है स्टूडेंट यही डायलेक्ट्रिक मीडियम है जो इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए होता है, और इस केस में ही इसको के लिखा जाता है। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के एक देख लीजिए मैंने मेंशन किया है डायमेंशनलेस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। यानी कि अगर हम एफ एम इक्वल टू वन बाई फोर पाई परमिटिविटी लेते हैं और क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के रिजल्ट को पटेंट करते हैं, तो यहाँ पर ई का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के इज के बराबर होता है, और इसी चीज़ को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। फिर से समझें कि यहाँ जो ई है वो एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम बोलते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है स्टूडेंट कि अगर क्यू वन और क्यू टू वन कूलम्ब के बराबर है और अगर आर वन है तो हम लोग इसका वैल्यू यानी इस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे का वैल्यू हम लोग का 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बराबर हो जाता है, जो न्यूमेरिकल के लिए आपको जानकर रखना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को भी जानना है, 8.854 × 10⁻¹² होता है, जिसका ऐसा यूनिट मैंने यहाँ लिखा है पर केजी पर मीटर क्यूब एस टू द पावर 4 और ए टू द पावर 2, ये डायमेंशन वाइज इस तरीके से मैंने लिख दिया है जिसे आपको याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर बात करें तो वेक्टर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आप आर क्यूब करोगे, बिकॉज यहाँ पर एक पोजिशन वैक्टर आर दिया हुआ है। जनरली ये आर स्क्वायर होता है, बट पोजिशन वैक्टर को शो करोगे तो ये आर क्यूब मैंशन करना है। फॉर ए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एफ जो है वो 1/4 पाई देखिए, चूंकि डायलेक्ट्रिक जब भी आएगा स्टूडेंट ये वर्ड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की बात करें तो यहाँ आपको के मैंशन करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब और पोजिशन वैक्टर आर है। अब नेक्स्ट इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है ये रिपल्सिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, और अगर क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट करता है। कोलंबियन फोर्स जो है वो न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि स्मॉलर सर्फेस के लिए भी काम करता है और लार्ज डिस्टेंस के लिए भी काम करता है। दैट्स वाई स्मॉलर के केस में स्टूडेंट ये आर का वैल्यू 10⁻¹⁵ मीटर टू लार्ज डिस्टेंस के लिए यानी कि मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के लिए यह वैल्यू 10⁻¹⁸ मीटर तक होता है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू इन पॉइंट्स के बीच में आप निकाल सकते हो। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स वो हमेशा 10⁻³⁶ टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैंने शॉर्ट में जीएफ लिख दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में थोड़ी समानताएं हैं। आप जानते हो कि जब कूलम्स लॉ को आप बना रहे हो तो उसका रिजल्ट आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि वहाँ चार्ज के बारे में बात हो रहा है, और अगर यही चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो वहाँ फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप जानते हो कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁰ के बराबर होता है, और वहाँ पर एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि वहाँ मास के बारे में बात होती है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी पे। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिफाइन किया जाता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इंटेंसिटी ई को आप एफ वाई क्यू नॉट से इंडिकेट करोगे, जहां मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर है। मैंने अभी बताया कि के जब भी आएगा तो समझ जाइएगा कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इंटेंसिटी को आप कई तरह के रिजल्ट में जैसे कि सर्कुलर रिंग के लिए, एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और एट एनी पॉइंट के लिए आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना है स्टूडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग, फिगर देख लीजिए, ये आप डेरिवेशन में क्लास में की हो। यानी कि इसका रिजल्ट याद रखना है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 मिलता है फाइनल रिजल्ट। और ये अगर हम ए की बात करें तो ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर है, दैट्स वाई इट कैन बी नेग्लिजिबल। सो द रिजल्ट वुड बी इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। नंबर 8,
इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इसी सिस्टम पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को सेपरेट करता है बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस अपार्ट, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे, विच इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल के इक्विवेलेंट होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन की बात करें तो ये आप डेरिवेशन जैसा कि मैंने कहा कि क्लास में करते हैं, तो यहाँ इसका रिजल्ट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2 पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस 40² होगा। और अगर हम इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2 पी बाय आर क्यूब होगा, क्योंकि एल नेग्लिजिबल है। वैक्यूम में इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k नहीं होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम में नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2 पी अपॉन आर क्यूब। नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका भी आप रिजल्ट देख लो, फिगर कुछ ऐसा है जिसको आप डेरिवेशन क्लास में किए हो, जिसका रिजल्ट स्टूडेंट ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 के इक्विवेलेंट आता है। यहाँ पे भी इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए p अपॉन आर क्यूब होगा, क्योंकि l का मान नेग्लिजिबल हो जाता है। वैक्यूम में k अगर 1 है तो इसका मतलब है ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन k नहीं रहेगा और p अपॉन आर क्यूब के इक्विवेलेंट रिजल्ट आता है। नंबर 11, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट की बात करें तो फिगर कुछ ऐसा है, एट एनी पॉइंट यहाँ पर है, आप जानते हो ये पी कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, जैसा कि डेरिवेशन क्लास के हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो इसका रिजल्ट के बारे में बात करें तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos² θ + 1 आता है। अगर हम टेंसाई की बात करें तो ये पी साइन थीटा बाय आर क्यूब बाय 2 पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, जहाँ पे इंटेंसिटी ई जो लेते हैं E1 और E2 के केस में, तो उसको डिवाइड करने पर आपके पास हाफ टेन थीटा आता है। तो ये जो रिजल्ट मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, ये इंटेंसिटी के आधार पर मैंने बताया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, जिसमें हम लोग गॉसियन थ्योरम के आधार पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। गॉस थ्योरम को भी मैंने आपको बताया था क्लास के डेरिवेशन में कि एक स्मॉल डीएस एरिया के लिए, फिगर आपका यहाँ है, अगर हम गॉस थ्योरम के हिसाब से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्लोज इंटेग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया किसी क्लोज सरफेस एरिया पर ई इंटू डी एस का वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट आता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसमें ओमेगा एक है, जिसको हम लोग स्फेरिकल एरिया बाय आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल होता है, जो 4 पाई स्टेडियन के बराबर होता है, और डी ओमेगा का वैल्यू डी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, जिसको इस गॉस थ्योरम में यूज़ किया जाता है। और फाइनली आपका क्लोज इंटीग्रेशन जब हम लोग डेरिवेट करते हैं वो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार जो चार्ज है वो 1/ε₀ टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज होता है। सो इस तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ की बात करें तो वो वैल्यू इस फिगर के अनुसार जब आप डेरिवेट करोगे, जैसा मैंने क्लास में बताया, तो यहाँ पर ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप बोल सकते हो कि चार्ज रेडियली आउटवर्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज के लिए है वो रेडियली इनवर्ड होता है। नंबर 3, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन के लिए, याद रखेंगे थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन अगर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इंटेंसिटी जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है स्टूडेंट, या फिर सिग्मा क्यू बाय एस के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए डेरिवेट करते हैं तो इंटेंसिटी फर्स्ट केस और सेकंड केस E1 प्लस E2 के लिए ऐड करोगे, फाइनली यू विल गेट सिग्मा अपॉन ई नॉट, क्योंकि आपका एलसीएम वही है और 2 सिग्मा होने के कारण 2 कैंसिल होता है और सिग्मा बाय ई नॉट का वैल्यू आता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस अगर बात करें, इसमें 3 स्थिति होती है स्टूडेंट, एक इनसाइड द सरफेस, एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एक सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस है तो E इक्वल टू 0 होगा, और जस्ट आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर है तो इसका वैल्यू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² कैपिटल R स्क्वायर होगा। और अगर ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर है तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² के बराबर, स्मॉल r स्क्वायर। अगर हम इसे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहाँ पे भी 3 स्थिति है, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द स्फीयर, देखिए स्टूडेंट, तो ये रिजल्ट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बराबर है।
और जब r एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर की बात करें, जहाँ स्मॉल r इक्वल टू r है, तो ये रिजल्ट e इक्वल टू रो यानी डेंसिटी है एक तरह का। तो यहाँ पर आप बोलोगे डेंसिटी अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के बराबर होगा। और वेन पॉइंट P लाइज ऑन इनसाइड द स्फीयर, तो ये रिजल्ट जब स्मॉल r का वैल्यू ग्रेटर देन r होगा तो e इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r के बराबर होता है। ये आपका रिजल्ट, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका रिजल्ट गॉस थ्योरम से रिलेटेड टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, सारे रिजल्ट में आप देखोगे पोटेंशियल यानी वोल्ट हो गया, तो वी ए माइनस वी बी दो पॉइंट के लिए जो डिफरेंस है वो डब्ल्यू यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर है, यानी कि 1 वोल्ट 1 जूल बाई 1 कूलम के इक्विवेलेंट होता है। और अगर हम वी की बात करें तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और ये इसका डायमेंशन मैंने लिख दिया है। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डेल के इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी के इक्विवेलेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो मेरा वैल्यू आएगा वी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यानी कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के लिए है, और क्यू बाई आर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे तीन रिजल्ट एक्सप्लेन किया था, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट जनरल पॉइंट पर। तो सिमिलरली इसमें भी ये तीनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका इसी तरह से काम करता है, केवल वहाँ इंटेंसिटी के लिए ई यूज़ किए, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी यूज हो रहा है। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर के बराबर है, और वैक्यूम के केस में ये क्यू बाई आर हो जाता है और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हट जाता है। तो अगर हम इसमें तीन स्थिति होती है स्टूडेंट, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एल लैम्डा डी एल बाई आर होता है। अगर सरफेस चार्ज की बात करें तो वी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अगर लो लिमिट एस है तो सिग्मा डी एस बाई आर होता है। और फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी बी बाई आर के बराबर होता है। तो लाइन चार्ज से समझ जाइएगा लैम्डा डी एल है, सरफेस चार्ज से समझिएगा सिग्मा डी एस है, और वॉल्यूम चार्ज से समझिएगा रो डी बी है। तो इसी तरह से नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। मैंने बोला ना कि तीन रिजल्ट आएंगे, एक एक्सियल के लिए, एक इक्वेटोरियल के लिए और एक जनरल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर अगर एक्सियल लाइन की बात करें तो वी, हमारा जो रिजल्ट होगा वो वी इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई आर स्क्वायर माना चलेगा। पी मीन्स आप समझ ही रहे हो क्यू इंटू टू एल। इफ आर ग्रेटर देन एल है दैट मीन्स एल नेग्लिजिबल होगा, तो वी इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट के पी बाई आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। नेक्स्ट अगर एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो उसका रिजल्ट देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू जीरो इसलिए होगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाता है, और परपेंडिकुलर के लिए आपको जो इंटेंसिटी में फिगर है फिगर लगभग सेम रहेगा, और परपेंडिकुलर के केस में वो जीरो हो जाता है, जिसके कारण 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू जीरो यानी कि इक्वेटोरियल लाइन का जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट वो जीरो हो जाता है। एट एनी जनरल पॉइंट अगर हम भी निकालें तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और इसको डेरिवेट करने पर फाइनल रिजल्ट आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर बाई आर क्यूब होता है। अगर वर्क डन की बात करें तो टाउ जो है वो पी ई साइन अल्फा के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जितना पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, ये सारा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड टर्म्स के लिए किया। और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का स्टूडेंट, वो है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करें कैपेसिटेंस में तो P इक्वल टू NP होता है, जिसका अगर हम यूनिट ले तो C पर एम स्क्वायर होता है। यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, जहाँ पे स्मॉल p बाई भी है जो कि मास नहीं होता, दैट्स वाई एम जीरो, और L माइनस टू टी इंटू ए होता है। नंबर टू, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर द डायलेक्ट्रिक, फिर से समझिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसको आप कैसे इंडिकेट करते हो, फॉर द डायलेक्ट्रिक जब निकालोगे तो उसका वैल्यू E नॉट बाई E या फिर E बाई E नॉट के बराबर होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो उसकी डायलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर को शो करता है जो वैक्यूम में जीरो होता है। तो इसका रिजल्ट है K इज इक्वल टू 1 प्लस शी। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक अगर बात करें तो ये वो पॉइंट होता है जिस पे आकर के इंसुलेटिंग मटेरियल यानी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कंडक्टिंग बिहेव शुरू करता है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग स्टेज बोला जाता है।
नंबर फोर, कैपेसिटेंस की बात करें तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, जिसका ऐसा यूनिट माइकल फैराडे के अनुसार ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर फैराडे बोलते हैं। कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, सी बाई वी यानी सी पर वी होता है, वोल्ट होता है कूलम पर वोल्ट। डायमेंशन जो है वो लगभग इस तरीके से रहता है। नंबर फाइव, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू क्यू इंटू वी के बराबर होता है, और दूसरे वे में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर की इक्विवेलेंट होता है। समटाइम्स वी कैन राइट हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी। ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। नंबर सिक्स, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, जहाँ डेरिवेशन पे आप q बाई क्यू इंटू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए से डिवाइड करोगे, देन फाइनली यू विल गेट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद रखेंगे फिजिक्स में एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें ऊपर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट में दो तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ जो जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है और जो एप्सिलॉन है परमिटिविटी कॉन्स्टेंट, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी और केवल डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर सेवन, बाय द डायलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस जो है वो क्यू बाई वी क्यू अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब चूंकि थिकनेस हो जाता है, जब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आप इंसर्ट करोगे तो वो उसका जो थिकनेस होगा वो माइनस हो जाता है, तो थिकनेस को मैंने टी लिया है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा। क्यू आप कैंसिल करोगे तो आपका एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटेंस अगर बोलेंगे स्फेरिकल के आधार पे, फिर से समझिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर तो सी जो है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बाई बी माइनस ए होता है, क्योंकि रिजल्ट कॉमन करने के बाद डेरिवेशन में मैंने बताया है आपको क्लास में कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, 1 बाई ए और बी आप पोजीशन मान रहे हो, क्योंकि स्फेरिकल के केस में आउटर सरफेस बी को आप ग्राउंड कर रहे हो और इनर को आप रख रहे हो, तो ग्राउंड करने पर उसका रिजल्ट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी होगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बाई बी माइनस ए के इक्विवेलेंट होगा। कैपेसिटेंस में एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर कुछ कैपेसिटर्स है, मान लो देयर आर थ्री कैपेसिटर्स, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका रिजल्ट 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री होगा। दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थ्रू विच यू कैन सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एंड थ्योरीज। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लुक्रेटिव है, वैल्यूबल है, इम्पॉर्टेंट भी है। आप किसी भी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो को बार बार स्टडी करें, सुने, सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट यू कैन बियर इन योर माइंड। थैंक यू।